अभी फरवरी में हमने इनिशिएटिव शुरू किया है और इस इनिशिएटिव का मेन कारण आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस क्या था कि कई सारे लोग मुझे धनबाद के मयूर शेखर झा द्वारा चलाए जा रहे बेहतर झारखंड संस्था के माध्यम से धनबाद के विभिन्न कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के साथ एक संवाद कार्यक्रम धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित किया गया। दरअसल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर बेहतर झारखंड धनबाद के छात्रों को पढ़ाई के साथ आर्थिक सहयोग के लिए स्कॉलरशिप योजना चला रही है, जिसके लिए कई कॉलेज में स्कॉलरशिप ड्राइव चलाया जा रहा था। कार्यक्रम में छात्रों से धनबाद को बेहतर बनाने को लेकर संवाद हुआ, जिसमें छात्रों ने अपने करियर में आने वाली समस्याओं को रखा और युवाओं के नौकरी की तलाश में हो रहे पलायन को रोकने हेतु बातें हुई। मयूर झा का कहना है कि हम अपने माध्यम से छात्रों के बीच से बेहतर आइडिया खोजकर निकालना चाहते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं, ताकि कम से कम अगला 25 अरबपति धनबाद का हो, धनबाद में रहकर बने। इसके लिए सकारात्मक प्रयास करने के झारखंड का प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। बेहतर झारखंड के संस्थापक मयूर शेखर झा ने कहा कि धनबाद से इस बार लगभग 100 छात्रों को छात्रवृत्ति अभियान के अतिरिक्त चुना गया है, जिसकी सूची 1-2 सप्ताह में आ जाएगी, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में 3,000 बच्चों को यह स्कॉलरशिप मुहैया कराया जाए। BSS महिला कॉलेज, लॉ कॉलेज, गुरु नानक कॉलेज, SSLNT कॉलेज के छात्रों ने इस बातचीत में शामिल होकर मयूर शेखर झा के समक्ष अपने पक्ष को रखा। अभी फरवरी में हमने इनिशिएटिव शुरू किया है और इस इनिशिएटिव का मेन कारण आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस क्या था कि कई सारे लोग मुझे हमसे आप लोग सब मेरे ख्याल से परिचित हैं, हमको अपना परिचय देने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। धनबाद में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, 12वीं तक की शिक्षा मेरी डिनोबली स्कूल में हुई, उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए हम दिल्ली गए, ग्रेजुएशन दिल्ली से किए, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से किए, उसके बाद रोजगार भी आप ही लोग के फ्रेटर्निटी में हम आते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में थे, NDTV में थे, तो रोजगार हम दिल्ली में। इसके बाद पिछले 10 साल से लगातार हम धनबाद में कुछ ना कुछ पोलिटिकल या सोशल डिस्टेंस करते रहे। उसका उद्देश्य यह है कि जब हम बाहर काम कर रहे थे तो कई सारे लोग हमको मिलते थे जो झारखंड बिहार से के परिवेश से निकले हुए लोग हैं और जो जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो वापस नहीं है। तो हम पिछले 2-3 साल से लगातार लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जिस मिट्टी ने तुम लोगों को इतना दिया है, जिस मिट्टी के कारण तुम लोग को 12वीं तक भी अगर तुम यहाँ से पढ़े हो तो इस मिट्टी का बहुत बड़ा कर्ज है तुम लोगों का, तो तुम लोगों का दायित्व तो बनता है कि वापस चलो। ग्रास रूट से किसी को डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इस दिशा में बहुत लोगों से लगातार हमने संवाद किया। उसके बाद 30 साल फरवरी में कुछ लोगों के साथ हमने बैठे दिल्ली और जिसमें काफ़ी IIT के पढ़े हुए लड़के भी थे, कुछ लोग अमेरिका से भी वापस आए थे। उन सब मिलकर बोले हम लोग मिलकर कुछ करना चाहते हैं। उन लोग बोले क्या कर सकते हैं, हमने बताया सबसे जो ज़रूरी काम हम लोग सोचे कि करना यह है हम लोग कि भविष्य में कुछ ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है कि आने वाले समय में जो पलायन होता है उसका 2 कारण होता है, एक होता है पुश और एक होता है पुल। पुल होता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, अमेरिका में बड़ा माइक्रोसॉफ्ट में आपको नौकरी लग गया है, अब जाइए। एक होता है पुश, जो पुश माइग्रेशन का कारण होता है कि भाई आपको मजबूरी में कि आपको कोई अवसर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, उसके कारण आपको जब एक अपना घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है, उस तरह के पलायन को रोकने की दिशा में हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किसी को भी मजबूरी बस किसी को भी डिस्ट्रेस माइग्रेशन ना करना पड़े। इसलिए इसको अपना घर परिवार छोड़ के नहीं जाना पड़े क्योंकि उसके लिए धनबाद में या झारखंड में अवसर नहीं, तो अवसर तलाशने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उस दिशा में जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग क्या सोचे, देख रहे हम लोग क्या, हम लोग देखें कि यार अवसर यहाँ पर क्या है। यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा माइंडसेट लोगों का बना और उस माइंडसेट के शिकार हम लोग भी रहे कि नौकरी सरकारी है तो है, इसके अलावा कोई नौकरी नहीं है। तो इसका कारण क्या हुआ कि पिछले 25-30-40 साल में धनबाद से या झारखंड से बड़े स्तर का व्यवसायी या व्यापार का सीजन नहीं है। कोई बड़ा कंपनी भाई झारखंड से अडानी क्यों नहीं बन गई, झारखंड से अंबानी क्यों नहीं बन गई, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाया कि उस तरह का अवसर, और ये सरकारों का भी फेलियर है, ये लगातार सक्सेसिव सरकारों का भी फेलियर है कि इस तरह का एटमॉस्फेयर हम लोग नहीं दे पाए कि यहाँ से निकलकर लोग बड़े एंटरप्राइजेस खड़ा करें। अब आप लोग को हैरत होगा एक जानकर कि ब्लिंकिट बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट कंपनी का एक फाउंडर जमशेदपुर का है। उससे मिले हम उसको कहे कि भाई ऐसा क्या है कि तुम तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी चला रहे हो, तो इस कंपनी का हेडक्वार्टर गुड़गांव में होना क्यों जरूरी है, इस कंपनी का हेडक्वार्टर तो जमशेदपुर में भी हो सकता है, जमशेदपुर में क्यों नहीं हो सकता इस कंपनी में। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस तरह का माहौल हम लोगों को नहीं मिलता है यहाँ पर। दूध जॉकी एक बहुत बड़ी स्टार्टअप इनक्यूबेटर है,
वो लड़का बोकारो का लड़का है, वो बहुत बड़ी स्टार्टअप इंक्यूबेटर चला रहे हैं, प्लस बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज में, डेल का इंडिया हेड जो है वो बोकारो का है, माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया हेड है वो जमशेदपुर का है। तो इस तरह के अच्छे अच्छे जगह पे हमारे लोग बैठे हुए हैं जो कुछ करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज का अभाव है। तो हम बोले ठीक है, एक प्रयास करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज का जो ये गैप है उस गैप को काटने का हम लोग एक प्रयास करते हैं। उसके लिए यहाँ के बच्चों के बीच जाते हैं, यहाँ के बच्चों के बीच जाते हैं कि तुम लोग आइडियाज लाओ कि क्या तुम लोग बेहतर कर सकते हो और कहाँ तुम्हारे साथ मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं कि तुम लोग बड़े एंटरप्राइजेस यहाँ पर रहकर क्रिएट करो, हम तुम्हारी हैंड होल्डिंग करेंगे, आइडियाज तुम लोग लाओ, तुम्हारे आइडियाज को नर्चर हम करेंगे, तुम्हारे साथ बैठ के काम करते हैं कि तुम लोगों को ग्रेजुएशन करने के बाद अपने बूढ़े माँ बाप को धनबाद में छोड़कर अवसर के तलाश में बाहर नहीं जाना पड़े। ये मेन उद्देश्य है। इस उद्देश्य का फिर बहुत सारा सीढ़ी है, बहुत सारा फायदा है। एक विषय ये आया कि बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई भी इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से तंग है। आज का जो है वो बहुत छोटा सा प्रयास है कि किसी को आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़े। बहुत कम, बहुत ही छोटा सा ये हम लोग का आज आउटकम है। 104 बच्चों को यहाँ पे, काफी बच्चे नहीं आ पाए हैं, 104 बच्चों को हम लोगों ने यहाँ से रिकमेंड किया है। जो पेपर वर्क होगा, पेपर वर्क होने के बाद मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन में इन लोगों का स्कॉलरशिप ग्रांट हो जाएगा। जिस स्केल पे को चिन्हित करके हमने स्कॉलरशिप दिया, स्कॉलरशिप का जो राशि है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भी पीएसयू से हम लोग बात कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम से है और कोशिश ये है कि कम से कम 3-4 हज़ार बच्चों तक स्कॉलरशिप को हम लोग पहुंचा पाए। जैसा मैंने खुद कहा कि ये बहुत ही छोटा सा एक सीढ़ी हम लोग लिए हैं। ये हम लोग कॉलेजेस में गए, कि आप चयनित करके हमें बच्चे दीजिए और कॉलेजेस ने हमें बच्चे रिकमेंड किया। हम लोग अभी 4 कॉलेजेस में गए हैं, गुरु नानक कॉलेज, एसएसएलएमटी कॉलेज, बीएसएस कॉलेज और महिला ये लॉ कॉलेज, 4 कॉलेज में हम लोग गए हैं। कॉलेज के मैनेजमेंट ने, कॉलेज के प्रिंसिपल ने अभी चयनित करके हमें बच्चे दिया और भी हम लोग उसको बढ़ाएंगे। काफी एक दो लोग करीब 3,000 बच्चे हम लोग, धनबाद केवल धनबाद जी अभी 104 बच्चे हैं। अब जैसे ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ प्राइवेट कंपनीज को भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो अलग अलग माध्यम से हमारा टारगेट है कि कम से कम 3,000 जो डिप्राइव सेक्शन के बच्चे आते हैं उन बच्चों तक एक कम से कम एफर्ट जाए कि उन लोगों को आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं थी। ठीक है, बेहतर झारखंड संस्था भी नई संस्था है, ये फरवरी में ये संस्था का सिस्टम हुआ है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मैं खुद धनबाद से हूँ तो मेरा थोड़ा सा बायस धनबाद के प्रति ज़्यादा आता है, पर ये एक झारखंड सेंट्रिक संस्था है और भी जिला पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस संस्था के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए। ये अलग अलग है, 10,000 है, 5,000 है और 10,000 है, 10,000, 6,000 और 8,000 वो मार्क्स बेसिस पर है कि मेरे ख्याल से जो 50% से कम वाले, 50% वाले बच्चे हैं, 45% वाले बच्चों को 6,000 है, 60% वाले बच्चों को ये है ना 55% वालों का है और उसके बाद 60%। ये तो अभी तो बहुत चले, इंटरप्रेन्योर के लिए तो हम अभी बात करेंगे। एक आप लोग सादर आमंत्रित हैं, 27 तारीख को SSLNT कॉलेज के साथ मेरी अपनी एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर भी चलती है और हम लोगों ने अपने इंक्यूबेटर में खासकर बिहार और झारखंड के बहुत सारे स्टार्टअप्स को हम लोगों ने इंक्यूबेट करने की कोशिश की है, कुछ इंक्यूबेट हम लोगों ने किया है। 27 तारीख को SSLNT कॉलेज के साथ मिलकर हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम लोग किसी भी 3 बच्चों को आगे एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए चयनित करेंगे और उन लोगों को आप लोग गाँव में आते हैं।